द्रौपदी। इनकी बहन के पैर का अंगूठे का मांस बढ़ता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। ये वीरवार को चमत्कार सच में प्रार्थना में आए। इन्होंने बिशप अमरदीप जी से प्रार्थना करवाई और इनकी बहन का ऑपरेशन कैंसिल हो गया। बिशप मसीह का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। और मेरे बहन को डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, इस पास्टर जी से मैंने प्रार्थना कराई, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। अंगूठे का मांस बढ़ता था, क्या था? अंगूठे में से ना मांस निकल गया था। उस अंगूठे से मांस निकल गया था तो उस डॉक्टर ने काट दिया, फिर दोबारा मांस निकल गया। तो डॉक्टर ने कहा पूरा अंगूठा ही काटना पड़ेगा, ये नाखून निकालना पड़ेगा। नाखून निकालना पड़ेगा, पूरा अंगूठा काटना पड़ेगा। हाँ, पूरा काटना पड़ेगा उसको। तो फिर मैंने दीदी से कही, दीदी मैं जा रही हूँ वीरवार को चर्च में, मैं प्रार्थना करवाऊंगी, अभी रुक जा। तो रुक गई, मैं प्रार्थना करा के गई। फिर वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, तुम जाओ। हालेलुया। अच्छा, तो आपने अपनी दीदी को, आपकी दीदी कहाँ रहती है? यूपी में रहती है। यूपी में रहती है। तो आपने यूपी में फोन करके बोला कि मैं आज चर्च जा रही हूँ? नहीं, दीदी का उस समय फोन आ गया, मैं जा आ रही थी, निकल रही थी चर्च में। तो आपने कहा मैं चर्च में जाकर आपके लिए प्रार्थना करवाऊंगी। हाँ, प्रार्थना करवाऊंगी। तो आज जो कहा एक दिन। हाँ। और उसके बाद फिर प्रार्थना के बाद वो फिर गई। फिर गई वो, तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, अब जाओ तुम। ओके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यहाँ हो रही है, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह यूपी में जाकर कर रहे हैं।